आज सुबह से लेके अभी तक मुझे कोई सांप नहीं मिला। तकरीबन 4 बजने को है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि या शिकार या ख्वार दोनों में से एक चीज आपके साथ जरूर होती है। कुछ सांपों की लाइनिंग्स मिली है मुझे, लेकिन अभी तक मैं किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा कि इस एरिया में कौन सा स्नेक है, कौन सी ब्रीड है। और अल्लाह की मर्जी, क्योंकि शिकार में दो ही चीजें होती हैं, या शिकार या ख्वार। और ये क्या है? ये रसल वाइपर है, आगे मत आना जरा ध्यान से। अब जरा पीछे से आगे क्लोज लाइन, इंतहाई जहरीला है, एहतियात से। इसकी वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है मुझे, शायद कैमरे में भी आए। रसल वाइपर है और इंतहाई जहरीले सांपों में इसका शुमार होता है। पाकिस्तान में दरिया के इलाकों के करीब करीब पाया जाता है, हरियाली की जगह पे जहां सब्जा ज्यादा हो। और इस टाइम भी हम दरिया रावी के एक किनारे पर ही हैं, जहां से दरिया अपना रुख मोड़ चुका है। तो बड़े हैं, ये बहुत जहरीला है, इसमें बिल्कुल भी चांस नहीं लिया जा सकता। इसके फैंग देख सकते हैं आप कि काफी बड़े हैं, वैसे ही नजर आ रहे हैं। इसके फैंग काफी बड़े हैं और पाकिस्तान में तकरीबन जितनी नस्लें हैं उन सब में से बड़े फैंग इसी के हैं, रसल वाइपर के। सौ स्केल्ड वाइपर भी है पाकिस्तान में, लेकिन सौ स्केल्ड वाइपर के फैंग जो हैं वो इससे थोड़े छोटे हैं। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं इसमें, जबरदस्त, बहुत बड़े फैंग हैं। चले जी, यहाँ से एक चीज का और नॉलेज में इजाफा हुआ कि रसल वाइपर आपको यहाँ पे अवेलेबल है। दोबारा हम शिकार करने आएंगे इंशाल्लाह। ये तो बच्चा है, अभी छोटा है, और मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी बड़े रसल वाइपर पे अपना हाथ चुकाऊं। वेल डन।